राजस्व विभाग में कहते हैं ना कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत लूट है, बहुत। तो सबसे पहले तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, और जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि काम नहीं होते हैं, ये है, इन सबको दुरुस्त करेंगे। तो राजीव मितान क्लब जो बनाया था, अपने कार्यकर्ताओं को लूट का पैसा बांटने का एक जरिया था। इस विषय को रखेंगे हमारे मंत्रिपरिषद में, और इस योजना में जैसे निर्णय आएगा कि बंद करने के या इसका स्वरूप बदलेंगे ताकि हमारे युवाओं को फायदा मिले, ऐसे कुछ योजना इस जगह में लॉन्च करें। हमारे साथ युवा कल्याण और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। आप युवा कल्याण, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, युवाओं की जिम्मेदारी आपको मिली, युवा कल्याण विभाग है, राजस्व विभाग है, क्या आपकी प्लानिंग चल रही है इसको लेकर? देखिए, राजस्व विभाग में कहते हैं ना कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत लूट है, बहुत। तो सबसे पहले तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, और जो लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि काम नहीं होते हैं, ये है, इन सबको दुरुस्त करेंगे। और पहली बैठक लेकर के सबको निर्देशित करेंगे कि आम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए, किसी को तहसील कार्यालय या SDM कार्यालय के चक्कर लगाना मत पड़े। युवा कल्याण विभाग भी आपको मिला है, पिछली सरकार ने राजू युवा मितान क्लब का एक वो किया था, हालांकि उसकी राशि बंद कर दी, उसको बैन कर दिया गया है, उसके बारे में क्या? देखिए, ये तो राजीव मितान क्लब जो बनाया था, अपने कार्यकर्ताओं को लूट का पैसा बांटने का एक जरिया था कि अपने कार्यकर्ताओं को लूट करके पैसा बांटे, और ये बहुत बकवास योजना था। इससे युवाओं के कोई उत्थान होने वाला नहीं था। तो इसको तो इस विषय को रखेंगे हमारे मंत्रिपरिषद में, और इस योजना में जैसे निर्णय आएगा कि बंद करने के या इसका स्वरूप बदलेंगे ताकि हमारे युवाओं को फायदा मिले, ऐसा कुछ योजना इसकी जगह में लॉन्च करेंगे। एक बार फिर से वही सवाल, जिन मंत्रियों के साथ आप पीए थे, जिनका असिस्टेंट बनकर काम किया, अब उनके साथ कैबिनेट में बैठेंगे, महत्वपूर्ण विभाग भी आपको दे दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या है, सबके साथ बैठ करके, अब जैसे बृजमोहन भैया हैं जिनके साथ, मतलब मेरे को लगता है करीब 30 साल से है ना, बैठ के काम करने का, सभी नेताओं के साथ बैठ करके काम करने का एक लंबा अनुभव, और उसका पूरा फायदा अब दिखेगा। थैंक यू। ये थे टंकराम वर्मा जी, और इनका कहना है कि राजस्व विभाग में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, उस भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म करेंगे, और जो पुरानी शिकायतें मिली उस पर कार्रवाई करेंगे, और साथ ही साथ राजीव मितान क्लब की जो योजना बंद हुई है उस मामले में भी जाँच करवाएंगे, और योजना तो फिलहाल बंद कर दी गई, और उसमें मामले में भी जो भ्रष्टाचार है उसकी भी जाँच कराएंगे। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर।